पहले वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की शहादत को देश कर रहा है नमन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। फिर बढ़ी मदर डेयरी की दूध की कीमतें, कल से प्रति लीटर 2 रुपए महंगा मिलेगा दूध। टोकन और काउ मिल्क के दाम में बदलाव नहीं। निशा मौत मामले में शुरुआती पूछताछ में शुजान ने कबूल किया रिलेशनशिप में होने और ब्रेकअप की बात, तो निशा की मां का शुजान पर धोखा देने का आरोप। इसके साथ तो मैंने रिलेशनशिप बनाया शादी का वादा करके, फिर उसने निशा से ब्रेकअप किया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी का पुलिस ने लिया वॉइस सैंपल, पुलिस के हाथ लगा श्रद्धा को टॉर्चर करने का एक और सबूत। सामने आया आफताब और श्रद्धा के बीच लड़ाई का ऑडियो। लोन घोटाला मामले में वीडियोकॉन के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व चेयरपर्सन चंदा कोचर और पति की हो चुकी है गिरफ्तारी। पाकिस्तान पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बलूचिस्तान में जोरदार प्रदर्शन, बलोच नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। तालिबान सरकार वापस ले सकती है कॉलेज में लड़कियों को पढ़ने पर रोक लगाने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े मंत्रियों का सरकार पर दबाव। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता का ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर। बर्फीले तूफान से अमेरिका के कई शहरों में हालात बेकाबू। न्यूयॉर्क के बफलो में कई इंच ऊंची बर्फ की परतें, तूफान से अब तक 20 लोगों की मौत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शाम की तमाम बड़ी खबरों से आप